OPBN में भी हमने टेस्ट नेट परफॉर्मेंस किया था और जिन्होंने ज़्यादा परफॉर्मेंस किया था उनको गाइस रिवॉर्ड भी मिला है $500 का पर वॉलेट पे। और जिन्होंने कम पॉइंट क्लेम किए उनके लिए जिनेसिस NFT मिली हुई है, जो आप कैसे क्लेम कर सकते हो, कैसे है कि OPBNB टोकन को ब्रिज कर सकते हो और कैसे इस NFT को आपको क्लेम करना है, उसकी टाइमिंग क्या है वो भी आपको आज बताने वाला हूँ। और कैसे इसके मेननेट में हमें के अभी इंटरेक्शन कर सकते हैं, और साथ ही में अभी आप ये मिंट करने जाओगे तो उसके लिए कुछ गैस फीस लगेगी, तो गैस फीस के लिए आपको ब्रिज भी करने पड़ेंगे BNB को OPBNB के अंदर, तो वो कैसे करना स्टेप वो भी बताने वाला हूँ। और आप अपनी फर्स्ट ट्रांजेक्शन कैसे कर सकते हो वो भी आपको बताने वाला हूँ OPBNB के अंदर एक NFT मिंट करके। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप अगर हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते जाओ, और सेकंड थिंग ये है कि आप हमारे ट्विटर टेलीग्राम मेक श्योर करो ज्वाइन कर लो, क्योंकि उससे आपको जो भी अपडेट्स रहती है वो सबसे पहले मिलती है। तो गाइस आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे इन्होंने कुछ मेंशन किया हुआ है वो आप सही से पढ़ लो। आपने अगर टेस्टनेट में पार्टिसिपेट किया था, ठीक है, इसके बारे में हमने आपको एक वीडियो भी प्रोवाइड की थी OPBNB की टेस्टनेट की। यहाँ पे इन्होंने एक और मेंशन किया है कि डोंट मिस आउट दी एग्जिस्टिंग मेननेट एक्टिविटीज़ टू अर्न मोर रिवॉर्ड्स। मतलब आप मेननेट में भी है कि कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन वगैरह मतलब इंटरेक्शन करोगे तब आपको मेननेट से भी रिवॉर्ड मिलेगा। टेस्टनेट का रिवॉर्ड कैसे क्लेम करना है वो बता रहा हूँ गाइस। एक तो दो इधर रिवॉर्ड मिले हैं। फर्स्ट वन रिवॉर्ड क्या मिला है कि $50,000, ठीक है, उसमें से BNB रिवॉर्ड दिया गया है शेयरिंग बेसिस पे। और एक और जिनेसिस NFT मिलने वाली। अभी आप सोचोगे रिवॉर्ड $50,000 है तो एक पर्सन को कितना मिला रहेगा टेस्टनेट में टास्क करके, तो यहाँ पे आप देखोगे तब आप खुद चौंक जाओगे। पर पर्सन देखो $490 $490 मिले हैं पर पर्सन को सिर्फ टेस्टनेट यूज़ करके, वो भी सिर्फ 15 से 20 दिन के अंदर। तो आप समझ सकते हो 40,000 रुपये इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करने जाओ तो उतना मिल गया है सिर्फ गाइस थोड़े दिन यूज़ करने से, ठीक है। तो इसमें रिवॉर्ड ये मिला हुआ है। अभी आता है कि जिनको ये रिवॉर्ड नहीं मिला है $490 का, तो उनको क्या मिलेगा अगर उन्हें परफॉर्मेंस किया टास्क, तो उसके लिए आपको क्या करना है वो देखते जाओ। तो उसके लिए गाइस आपको सिंपल यहाँ पे देखो नीचे कनेक्ट वॉलेट करके दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो आपको सिंपल इसके ऊपर क्लिक कर देना है और आपके स्कोर चेक करने हैं कि आप कितने पॉइंट्स हो लिए हो। तो यहाँ पे देखो मेटामास्क है, इसके ऊपर सिंपल क्लिक कर देना है और मेटामास्क को इधर से कनेक्ट कर लेना है। आपके स्कोर जो भी रहेंगे ये वाले सेक्शन पे आपके पॉइंट्स नज़र आ जाएंगे। मैंने गाइस ज़्यादा ट्रांजेक्शन नहीं की थी, आपको वीडियो दिखाने के लिए जो ट्रांजेक्शन की थी वही थी, दो बार की थी बस। तो यहाँ पर देखो यू करके लिखा रहेगा, आपका वॉलेट एड्रेस इधर रहेगा और यहाँ पर आपके पॉइंट्स रहेंगे। मेरे 300 पॉइंट्स हैं इसलिए मुझे जिनेसिस NFT मिंट करने को मिलेगी, किसकी, OPBNB की, ठीक है। तो अभी बात आती है इसको मिंट कैसे करना है, कौन से प्लेटफॉर्म पे जाके मिंट करना है। सेकंड है कि इसका फ़ायदा क्या होगा। तो गाइस आपको इसकी भी लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा, सब लिंक आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, टेलीग्राम से जुड़ जाओ, ट्विटर से जुड़ जाओ। यहाँ पे इस पेज पे आना है, ये एलिमेंट मार्केट प्लेस है, एक NFT मार्केट प्लेस है जैसे OpenSea का है। यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है वो देख लो। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक आप अगर एलिजिबल हो तो इधर आपको एक नज़र आएगा, एक आप NFT मिंट कर पाओगे और मिंट है इसके ऊपर क्लिक करना रहता है अपना वॉलेट कनेक्ट करके। OPBNB मेननेट में होना चाहिए। अभी आप बोलोगे यार मेननेट में तो हमारे फंड ही नहीं है तो कैसे हम ब्रिज करें BNB टू OPBNB में, और ये कब मिंटिंग होगा, तो उसके बारे में भी यहाँ पर डेट मैंशन की हुई है। आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखो डेट्स मैंशन की हुई है, September 14 को 21:30 UTC+5 करके दिया हुआ है, तब जाके मिंटिंग स्टार्ट होगी। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि आप अगर मेननेट के टास्क भी करोगे, एक्टिविटी करोगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा रिवॉर्ड मिलेगा और भी। तो अभी मेननेट के लिए आपको क्या करना रहेगा अभी स्टार्टिंग स्टेज में बता रहा हूँ, इसके बाद एक और भी वीडियो आएगी जिसमें और भी डेप्स रहेंगे, तो उसके साथ इंटरेक्शन करना पड़ेगा। अभी मेननेट के लिए इनका एक ब्रिज है वो यूज़ करना है। तो गाइस ये वाली आपको ब्रिज की लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना वॉलेट कनेक्ट पे क्लिक करना है। आपके पास ऐसा रहेगा इंटरफेस,
ऊपर यहाँ पे आपको बीएन भी रहेगा और नीचे ओपीबीएन भी रहेगा। तो आपको क्या करना है, ये जो स्मॉल वाला एरो दिखाई दे रहा है इसके ऊपर सिंपल क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सिंपल कनेक्ट वॉलेट है इसके ऊपर क्लिक करके कनेक्ट करना है, तब जाके ओपीबीएनबी का नेटवर्क ऑटोमेटिक आपका ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो ये नेटवर्क आ गया है और अप्रूव कर देना है और ये स्विच नेटवर्क पे क्लिक कर दिया तो ओपीबीएनबी देखो नेटवर्क ऐड हो गया है। अभी हमको क्या करना है, ब्रिज करना है। ब्रिज करने के लिए हमारे पास ओपीबीएनबी में कुछ नहीं है तो हमको इस एरो को वापस क्लिक कर देना है, ऊपर बीएनबी चेन स्मार्ट चेन रख देना है। ठीक है, स्विच बीएनबी चेन स्मार्ट चेन पे क्लिक कर देंगे। अभी गाइस हमको डिपॉजिट करना है तो डिपॉजिट करने के लिए सिंपल आपके पास कितने फंड है देखो, तो मेरे पास इधर $4 से $5 है तो मैं इधर क्या करता था, थोड़ा सा अमाउंट उधर ब्रिज कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो आप भी ऐसा ही करो, थोड़ा सा अमाउंट इधर से ब्रिज कर देना। तो मैं 0.01 है इस अमाउंट को इधर से ब्रिज कर रहा हूँ ओपीबीएनबी के अंदर। डिपॉजिट पे क्लिक कर दूंगा, सिंपल कंफर्मेशन होगी और यहाँ से हमारे ओपीबीएनबी में बीएनबी ट्रांसफ़र हो जाएंगे। कंफर्म के ऊपर क्लिक कर दूंगा और ये थोड़ा टाइम लगेगा ब्रिजिंग के लिए, ब्रिज होते ही आपको दिखा रहा हूँ। तो गाइस ट्रांजेक्शन सबमिटेड करके आया है, ये सक्सेसफुल करके नहीं आया, सिर्फ सबमिट हुआ है। डिपॉजिट टेक 1 मिनट बिफोर दे आर कंसिडर फाइनलाइज, 1 से 2 मिनट लग जाएंगे। आप जाके बी एस स्कैन में भी क्लिक करके देख सकते हो कि डिपॉजिट सक्सेस हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो सक्सेस आया स्टेटमेंट, तो अभी जाके वॉलेट में चेकआउट कर लेते हैं डिपॉजिट हुआ है कि नहीं ओपीबीएनबी के अंदर। तो गाइस ओपीबीएनबी के अंदर हमारे पास सक्सेसफुली डिपॉजिट हो चुका है 0.01 बीएनबी, जो इसकी वर्थ $2 लगती है। ठीक है, तो ये तो हो गया डिपॉजिट। आपको ब्रिज कैसे करना है, तो ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन हो गई, हमने ब्रिज कर दिया है बीएनबी के अंदर। तो गाइस हमने ब्रिज कर चुके हैं सक्सेसफुली ओपीबीएनबी के मेननेट के अंदर, उसमें भी रिवॉर्ड मिलेगा। आप जितना ट्रांजेक्शन वगैरह करते रहोगे न्यू डैप्स आएंगे, और भी एक और वीडियो दूंगा और आप कंटिन्यू करोगे तो आपको पता ही है टेस्टनेट में उन्होंने $500 का वर्थ का उन्होंने के रिवॉर्ड तक दिया है बहुत लोगों को। अभी बात कर लेते हैं उसमें एक NFT है और एक ट्रांजेक्शन है, वो कैसे करनी है। बर्गर सिटीज ये वाली लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, यहाँ पर आ जाना है और यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको इधर रहेगा गाइस ओपीबीएनबी गिफ्ट, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। बट उससे पहले क्लिक करने से पहले अपने मेटामास्क में चले जाना है और यहाँ पे मेटामास्क में आपका जो नेटवर्क रहेगा वो गाइस ओपीबीएनबी का नेटवर्क होना चाहिए। ठीक है, ओपीबीएनबी मेननेट का नेटवर्क होना चाहिए, तब जाके आपको ये बर्गर सिटी से इधर आके सिंपल ओपीबीएनबी गिफ्ट है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लेम के ऊपर सिंपल क्लिक कर देना है। तो गाइस वो करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ओपीबीएनबी गिफ्ट के ऊपर क्लिक करोगे और डेस्कटॉप मोड पे रखो तभी होते हैं टास्क, नहीं तो नहीं हो रहे फ़ोन में। ठीक है, तो कनेक्ट है, पहले कनेक्ट पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे मेटामास्क चूज कर लेना है और सिंपल पहले कनेक्ट कर लेना है और नेटवर्क होना चाहिए ओपीबीएनबी का, तब जाके इधर क्लेम का ऑप्शन आ जाएगा। सिंपल ये वाला क्लेम है, इसके ऊपर सिंपल आपको तभी एक्टिवेट हो जाएगा ऑप्शन, क्लिक कर देना है और आपके वॉलेट में एक ट्रांजेक्शन आएगी, 2 से 3 सेकंड रुक जाना है। आपको 3 लाइन क्लिक करके गाइस डेस्कटॉप मोड पे रखना है, फीस देख लो इतनी लगेगी डॉलर की, ₹1 भी नहीं है। ठीक है, और आपकी ये सेकंड ट्रांजेक्शन या फिर समझ लो फर्स्ट इंटरेक्ट कर चुके हैं एक NFT मिंट करके क्लेम्ड करके आ गया है। तो इसमें और भी बहुत कुछ आते रहेंगे जो आपको अपडेट्स में देता रहूँगा इन द नेक्स्ट वीडियो। आपको अभी मेननेट में भी देखना है कि कैसे कैसे, तब जाके आपको एड्रॉप मिलेगा। ठीक है, जो भी और भी टास्क आएंगे आपको दूंगा, टेंशन मत लो। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल सोनू क्रिप्टो को, क्योंकि न्यू जो भी रहता है वो ला कर देता हूँ। ऐसे मेलन जैसे छोटे मोटे एड्रॉप करने सोचता हूँ, कुछ बिग एड्रॉप मिले यार, जैसे सुई में हमको $2 लाख का हुआ था, आर्बिटर में हुआ था, स्पेस आईडी में एटलीस्ट $100-200 का हुआ था, वैसा एड्रॉप। ठीक है।